अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जायका कानपुर। और आज हम बनाएंगे मिक्स वेज। मिक्स वेज बहुत ही अच्छी सब्जी लगती है क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हम मिक्स करके इसको बहुत अच्छी बना सकते हैं। आपकी जो भी फेवरेट सब्जी हो आप इसमें डालकर वो बनाएं। हमारे तरीके से एक बार बनाएं, इंशाल्लाह आपको ये मिक्स वेज बहुत ही अच्छी लगेगी। और आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर आइए आपको दिखाते हैं कि मिक्स वेज बनाने में हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। यहाँ पर हमने कुछ सब्जियाँ ली हैं। ये दो मीडियम साइज के हमने आलू लिए हैं जिसे हमने छोटे छोटे कट करके इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। सारी सब्जियाँ वॉश करके हमने पानी अच्छे से सुखा दिया है। सब्जियों की क्वांटिटी आपके ऊपर है, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, उससे उसके टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। ये चार पांच बीन्स है जिसे हमने कट कर लिया है। ये एक स्मॉल साइज की गाजर है जिसे भी हमने ऐसे स्लाइसेस में कट कर लिए। आप चाहे तो किसी और शेप में भी कट कर सकते हैं। ये कुछ गोभी के फूल हैं, इसे भी हमने छोटा छोटा कट कर लिया है। ये एक स्मॉल साइज की शिमला मिर्च है, इसे भी हमने क्यूब्स में काट लिया है। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। यहाँ पर हमने 50 ग्राम के करीब पनीर लिया है जो हमने क्यूब्स में काट लिया है। यहाँ पर हमने थोड़े से हरे मटर लिए हैं। अगर आपके पास इसमें में से कोई भी सब्जी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और जितनी सब्जियां आपके पास अवेलेबल हो या जो आपकी फेवरेट सब्जी हो आप उससे भी मिक्स वेज बना सकते हैं। अब चलते हैं स्पाइसेस की तरफ। हमने 1/4 स्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। ये हमने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप चाहें तो सिर्फ ग्रीन चिली भी यूज कर सकते हैं। ये हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। ये हमने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ये हमने 1 चम्मच नमक लिया है। 1 लार्ज साइज के टमाटर को हमने फाइन चॉप कर लिया है। ये हमने हींग ली है। 2 मीडियम साइज के प्याज को हमने फाइन चॉप कर लिया है। ये हमें करी पत्ता चाहिए। आप चाहें तो 2-3 भी पत्ती यूज कर सकती हैं। इसे हमने वॉश कर लिया है। मैं इसमें सारी पत्तियां ही डालूंगी क्योंकि करी पत्ता वेजिटेबल्स में बहुत अच्छा लगता है और ये फायदेमंद भी बहुत होता है, इसलिए हम सारा ही यूज करेंगे। यहाँ पर हमने चौंकने के लिए कुछ मसाले लिए हैं। इसी से मिक्स वेज का स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप इसे जरूर डालें। अगर आपके पास इसमें से कोई मसाला ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। ये हमने मस्टर्ड सीड्स लिए हैं, येलो वाले, इसे पीली सरसों भी कहते हैं। 1/4 स्पून हमने मेथी दाना लिया है। 1/4 स्पून हमने जीरा लिया है खड़ा। और 1/4 स्पून हमने सौंफ ली है। 1/4 स्पून हमने ये अजवाइन ली है। 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पर खड़ा धनिया लिया है। और ये हमने 2 लाल मिर्च लिए हैं। हम इसे सब्जी में तड़का लगाएंगे। अलावा हमें ये 2 ग्रीन चिली चाहिए होंगी, हम इसे भी तड़के में यूज करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बनाना। गैस पर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। हम इसमें ऑयल डालते हैं। अगर आपको जल्दी हो तो आप मिक्स वेज कुकर में भी बना सकते हैं, मैंने भी कई बार बनाई है। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, हम इसमें ऑयल डालते हैं। हमने 60 ml के करीब ऑयल लिया है। आप चाहें तो कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप डाइट पर हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। अभी हमने 1.5 चम्मच ऑयल डाला है, यानी कि 1/2 ऑयल डाला है। हम सब्जियां फ्राई करेंगे। फ्राई करने से सब्जियों का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप जब भी मिक्स वेज बनाएं सब्जियों को जरूर फ्राई करें, और ये बाद में फिर बहुत देर पकती भी नहीं है, जिससे सब्जियों का कलर भी अच्छा रहता है और टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है। सबसे पहले हम गोभी डालते हैं। गोभी फ्राई हो गई है, हम इसे निकाल लेते हैं। इसमें गाजर ऐड करते हैं, के साथ साथ आलू ऐड करते हैं। गाजर और आलू दोनों ही हार्ड होते हैं, इसलिए हम कुछ देर इसको फ्राई भी करेंगे। इसका लिड लगाकर इसे पकने भी देते हैं ताकि स्टीम से ये सॉफ्ट भी हो जाए। 1 मिनट हो गया है, गाजर और आलू फ्राई हो गए हैं। इसी के साथ हम इसमें ये बीन्स ऐड करते हैं क्योंकि बीन्स भी थोड़ी सी हार्ड होती है, और इसका लिड लगा देते हैं। सब्जियां अच्छे से फ्राई हो गई हैं, हम इसे निकाल लेते हैं। और शिमला मिर्च ऐड करते हैं, साथ ये पनीर ऐड करते हैं। पनीर भी हल्का सा फ्राई हो गया है, हमें इससे ज्यादा फ्राई नहीं करना है, हम इसे भी निकाल लेते हैं। सब्जियां 50% कुक हो चुकी हैं, हम इसे तड़का लगाते हैं। इसमें हम ये ऑयल डालते हैं और इसी में 1 पिंच हींग डालते हैं, जो हमने खड़े मसाले लिए थे ये डालते हैं। और ये करी पत्ता हमारा, ये भी डालते हैं। और इसमें प्याज ऐड करते हैं। प्याज गोल्डन हो गई है, हम इस टाइम इसमें टमाटर ऐड करते हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और इन मसालों के बाद डायरेक्ट टमाटर भी डाल सकते हैं। और या अगर आप ग्रेवी वाली पसंद करते हैं तो प्याज और टमाटर पीस के भी डाल सकते हैं। और इस टाइम डालते हैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप अदरक लहसुन भी नहीं खाते हैं तो इसे भी आप स्किप कर सकते हैं। इस टाइम हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक,
नमक आप अपने जायके के हिसाब से ही डालें या पहले कम डालें और बाद में डाल लें, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम होगा तो आप फिर से डाल सकते हैं। और ऐड करते हैं इस टाइम इसमें हाफ कप पानी और इसे भूनते हैं। इसी के साथ इसमें डालते हैं मटर। हमने मटर फ्राई नहीं किए हैं, अगर तेल में फ्राई करो तो मटर टूट जाते हैं। तक हमारा मसाला भुनेगा तब तक मटर अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। लिड लगाकर इसे 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम पर भूनते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, हमने जो इसमें मटर डाले थे ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। जब तक आपके मटर सॉफ्ट ना हो जाए आप उसमें सब्जियां ऐड ना करें, चाहे तो आप मटर बॉईल करके भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें ये सब्जियां ऐड करते हैं। इसे मिक्स करते हैं, इसी के साथ इसमें हाफ कप पानी डालते हैं ताकि सब्जियां चिपके नहीं और अच्छे से गल जाएं। अगर आपको सब्जी थोड़ी सी ग्रेवी वाली चाहिए तो आप इसमें इस टाइम थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। इस टाइम इसमें ये गरम मसाला ऐड करते हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करते हैं। इस टाइम आप सब्जी टेस्ट कर सकते हैं और इसे लिड लगाकर लो फ्लेम पर 2-3 मिनट पकाते हैं। 3-4 मिनट हो गए हैं और हम देखते हैं सब्जी हमारी अच्छे से गल गई है, आलू भी अच्छे से गल गए हैं। हम इसे करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं। हम इस बोल में सब्जी को सर्व करेंगे। मिक्स वेज सारी सब्जियों में बहुत ही अच्छी लगती है, आप इसे मेरे तरीके से जरूर बनाएं। आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे फिर आप इसी तरीके से हर बार बनाना चाहेंगे। सब्जी को हमने सर्व कर दिया है, आप इसे दाल चावल के साथ ट्राई करें, ये बहुत अच्छी लगती है। वैसे मैं इसे दाल चावल के साथ सर्व करने वाली हूँ, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार जरूर हमारे कहने से बनाएं। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे।